आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही चाचा भतीजे में फिर से एक बार फूट पड़ गई है। समाजवादी पार्टी में फिर एक बार अंदरूनी झगड़े की आहट फिर से सुनाई देने लगी है। अखिलेश यादव ने फिर एक बार चाचा शिवपाल को जोरदार झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हुआ क्या है। पिछले दो दिनों से उम्मीद लगाकर लखनऊ में डेरा डालकर बैठे शिवपाल यादव को विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया, जिससे शिवपाल यादव नाराज हो गए। आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव को सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर समाजवादी पार्टी ने जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़वाया था। ऐसे में शिवपाल यादव को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें विधायक दल की बैठक में बुलाया जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को धोखा दे दिया। एक इंटरव्यू के दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि मुझे जानकारी थी कि विधायक दल की बैठक होनी है, तो वो पिछले दो दिनों से लखनऊ में ही रुके हुए थे। ऐसे में शिवपाल यादव ने कहा कि मुझे पार्टी की बैठक में नहीं बुलाया गया, मैं दो दिनों से इंतजार कर रहा था। इस बैठक में शामिल होने के लिए मैंने अपने दूसरे सारे प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया था, लेकिन मुझे बुलाया नहीं गया। इसके आगे शिवपाल यादव ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का विधायक भी हूं, फिर भी मुझे बुलाया नहीं गया। इसके बाद शिवपाल यादव का छलका दर्द। शिवपाल यादव से एक इंटरव्यू के दौरान जब शिवपाल यादव ने कहा कि अभी कोई भी पत्ते नहीं खोलेंगे, वो अपने समर्थकों से विचार विमर्श करने के बाद ही कोई फैसला करेंगे।